जय श्री ओम नमः श्रीदेव्य ओम नमः श्रीदेव्य ओम नमः श्री नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आरियानं नमो वज्जायानं नमो लोये समसाहु नमः शमय साराय स्वानुत्याचकासे चिस्वावाय वावाय सर्वभावांतरज। वस्तु स्वरूप इतना सुंदर है, आपको लग रहा हो आपको समझ में आ गया है और मुझे लग रहा है कि मैं समझा चुका हूं, लेकिन हम दोनों भ्रम में हैं। पंडित साहब ने अभी एक बहुत मार्मिक बात कही अमायन में। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब हम प्रवचन सुनते हैं तब सब समझ में आ जाता है और प्रवचन सुनने के बाद सब भूल जाते हैं। क्या कहते हैं लोग, प्रवचन सुनते समय सब समझ में आ जाता है, पंडित जी जब पढ़ते हैं तो एकदम समझ में आ जाता है लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं। पंडित साहब ने पहली बार ये शब्द का इस्तेमाल किया और आप सबका भी प्रश्न हो सकता है। उन्होंने कहा तुझे मिथ्या अभिमान है, तुम्हें समझने का अभिमान है, समझते नहीं हो, क्योंकि समझ कहते ही उसको है जिसे भूलो नहीं। आप कह रहे हैं हमें समझ सुनते समय सब समझ जाते हैं, आपको अभिमान है, अहंकार है, पढ़ते समय समझ में आ जाता है, अहंकार है। मैं एक बात पूछता हूँ, एक घंटे तक मैं ये शब्द समझाता रहा सो तो आपको याद नहीं रहा, बीच में एक गाली निकल जाए तो भूल जाओगे ना क्या? यदि गाली निकला है तो फिर आप भूल जाओगे ना? ओ इस बच्चे को भी याद है, मम्मी मुझे एक घंटे में कोई समझ में आया हो कि नहीं आया हो। लेकिन पंडित जी सामने एक बहुत गंदी गाली रखी थी, इसका मतलब आपको गंदी गाली समझ में आ गई उसे आप नहीं भूले। और हम बार बार कह रहे हैं तुम भगवान हो, अभी भी तुम्हें ऐसा लग रहा है वैसी वैसी कह रहे हैं, क्यों तुम भगवान हो? सही में लगता है आपने भगवान? अब पंडित जी आप कहते हो तो ठीक है, आपकी इज्जत रखते हैं हम। ओहो सुनो, जितने शब्द मैंने पढ़ाए मैं इन्हीं के बारे में कह रहा हूं। सर्वज्ञ भगवान जानते हैं लेकिन उसका पूरा मर्म कह नहीं पाते। गणधर परमेश्वर सुनते हैं लेकिन पूरा मर्म जितना समझ में आता उतना लिख नहीं पाते, कह नहीं पाते। अब हम आप तो कहां खड़े सोचो। फिर से अर्थ करता हूं, मैं निरालंबी, बस बस मैं निरालंबी, बच्चों को भी समझ में आएगा, सुनना ध्यान से, मैं निरालंबी। निरालंबी कहकर के कितना कुछ कहा है, मैं खुद ही थाय नहीं मिल रही, जैसे समुद्र में गोता लगा ना तो थाय नहीं मिलती, ऐसे निरालंबी में कितना कुछ कहा है। और पक्की गारंटी है निरालंबी समझ में आ जाए तो काम हो जाए। निरालंबी मतलब पहले मैं प्रैक्टिकल समझाऊ तो जल्दी समझ में आ जाएगा आपको, फिर बाद में सिद्धांत बताऊंगा आपको निरालंबी का मतलब क्यों। कोई आपको गाली देगी तो गुस्सा, कोई आपको गाली दे तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा पक्का। क्यों तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी रसगुल्ला हो तो खाने को जी मचलेगा कि नहीं मचलेगा? मचलेगा। क्यों तुम्हारा कोई 1,00,000 रुपए उठा ले जाए जेब में से, तुम्हारे देखते देखते आंखों के सामने तो तुम गुस्सा नहीं आएगी? आएगी। ये 3 दृष्टांत लिए मैंने, 3 दृष्टांत। और कोई सम्मान करे तो मैं तो वो अच्छा आदमी लगेगा कि बुरा? बहुत सम्मान करे, बहुत तारीफ करे आपकी तो कैसा लगेगा वो? आपको उससे राग होगा कि नहीं होगा? होगा। ये 4 दृष्टांत हो गए इतनी देर में। ये चारों मिथ्या है, आत्मा निरालंबी है, आत्मा को गेहों से ज्ञान नहीं होता, गेहों के आलम्बन से ज्ञान वाला नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, गेहों के आलम्बन से ज्ञान वाला नहीं, इसका नाम निरालंबी। आपको गुस्सा आता है इसके मतलब आप आलम भी मानते हो। क्या कह गए हम? आप आलम भी मानते हो।
एक कहावत है वैसे तो, लेकिन हम सोने का दृष्टांत भी देंगे आपको। कुत्तों के क्या, कौओं के कोसने से हाथी नहीं मरता। हाँ ढोर, मैंने हाथी भी ढोर ही है मैंने कौओं के कोसने से हाथी नहीं मरता, या कुत्तों के भौंकने से हाथी नहीं मर जाता, मस्त चाल चला जाता है, यूं समझ लो। ये दृष्टांत हुआ। अब मैं इसी को सरल करने के लिए बता, तुम्हारे पास 1 किलो सोना या हीरा है, हीरा, और जे सब के सब अज्ञानी है, सब्जी वाले, इनने कभी हीरा देखा ही नहीं, तो जे सब कह रहे ये भैया हीरा नहीं है, कांच है, कांच है, कांच है, देखो बेचारी किस्मत खराब है, 1 लाख रुपए कितनी सब्जी आती। अब सब्जी वाले तो ऐसे ही कहेंगे, 1 लाख रुपए में 1 ट्रक सब्जी आ जाती, 2 ट्रक, 10 ट्रक, बेचारा इतना सा कांच का टुकड़ा ले आया है, बेचारा किस्मत, मैं ऐसे सब लोग बोल रहे, तुम्हें क्या लग रहा है? इन सब के कांच कहने से तुम्हें पाप का उदय लगता है? लगता है बोलो? नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मेरा हीरा इनके वचन के आलम भी वाला नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? मेरा हीरा इनके वचनों का आलम्बन वाला, ओहो, कोई बुरा कहो या अच्छा, मैं तो निरालंबी हूं। अब कोई तुम्हें बुरा कहे तो तुम्हें आनंद कब आएगा? जब तुम निरालंबी देखोगे, आलंबी देखोगे तो मैं इसे ठीक कर दूंगा, इसे ठीक कर दूंगा, इसे ठीक कर दूंगा, और तुम उंगली करते रहे ना, कोई ठीक नहीं होगा। कोई बुरा कहो या अच्छा, समता भाव, रागदेश नहीं होगा, लक्ष्मी आवे या जावे, समता भाव। अब बोलो भाई, मुनिराज को कोई गाली दे तो उन्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? बढ़िया उत्तर दो, मजा आ जाए, 10 का नोट इनाम तेरे लिए, बाकी बड़ों के लिए नहीं बोलो बेटे, बोल, तुम बोला, दिगंबर मुनिराज को कोई गाली देता है तो उन्हें गुस्सा क्यों नहीं आता है? उन्हें क्या है? निरपेक्ष, निरपेक्ष नहीं, अभी हमारा शब्द जो है वो ही चाहिए हमें, निरपेक्ष नहीं चाहिए, निरपेक्ष पकड़ लिया बच्चे ने, इतना तो अच्छा है, 2 रुपए मिलना चाहिए इसे हाँ सही है, आप बोलो, कौन बोलेगा बोलो, हैं हैं, हाँ ज्ञानी है, ठीक है, अच्छा, इतना तो अकल लगाई इसने, ज्ञानी, हाँ बोलो बेटे, निरालंबी देखो, मम्मी राज को गाली देने पर भी उन्हें तकलीफ नहीं होती, प्राण हनन करने के लिए आ गए, सर्प डाल दिया गले में, कौन से मुनिराज को, कौन से मुनिराज गले में डाला था बोलो, बोलो बेटे, किसी को याद है? 10 का नोट इनाम, चलो कोई बात नहीं, हमारी बारी खत्म। यशोधर मुनिराज, याद है ना नाम, यशोधर मुनिराज गले में सर्प डाल दिया, कोई तकलीफ नहीं, क्यों? मैं निरालंबी हूं, मैं इसका आलंबन करूं शरीर का और सर्प का, तो मुझे दुखी हो, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं क्यों? निरालंबी, अब जी हर जगह ये लगाओ, अब आप लगाओ, क्या बताएं, पत्नी से दुखी हूं तो तुम पत्नी का आलंबन ले रहे होगे इसलिए दुखी हो, बच्चों का आलंबन ले रहे हो तो दुखी होगे, तुम जिस पर का आलंबन लोगे तो दुखी होगे, होगे हो, तो निरालंबी कैसे है? तो मैं इसके लिए अब सैद्धांतिक वाक्य बोल रहा हूं, सैद्धांतिक, क्योंकि ज्ञान गेयों के आलंबन वाला, अब विचार करना, ज्ञान गेयों के आलंबन वाला नहीं है। आप समय सारी इस आशा से पढ़ते हो मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, तो आप आलंबी वाले ज्ञान हो, दिगंबर मुनिराज, ओ सॉरी, शेर, शेर महावीर भगवान का जीत है ना, शेर, वो आलंबन वाला नहीं था, प्रभु आप तो 2 मिनट आकर के उपदेश देके चले जाओगे, बाद में मैं क्या करूंगा, किले बेटा समय सार, तो वो तो समय सार नहीं पढ़ सकता था, शिविरों में नहीं आ सकता था, मंदिरों में नहीं जा सकता था, शेर यदि मंदिर में जाए तो आप क्या करोगे यदि सम्यक दृष्टि आ जाए, चलो मिथ्या दृष्टि नहीं, यदि सम्यक दृष्टि शेर आए तो आप क्या करोगे, मैं बेचारा बताओ, आ भी नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद स्वावलंबी है, निरालंबी है, निरालंबी माने किसी के आलंबन वाला नहीं है। नरक में असंख्यात जीवों को मंदिर नहीं मिलता, देव नहीं मिलते, सास नहीं मिलते, गुरु नहीं मिलते, आगे की सब प्रोसेस नहीं मिलती, 8 हफ्ते उधर का कैलेंडर नहीं मिलता
इसके बावजूद असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि, क्यों निरालंबी? अभी हमें क्या कहें, आपको नरक की तुलना में बहुत फैसिलिटी मिल गई, मंदिर मिल गया, देश सास गुरु मिल गए, साधन भी मिल गए, बहुत अच्छा अच्छा मिल गया, अभी भी आप डिपेंडेंट बनते चले जा रहे पंडित जी, आप तो चले जाओगे 6 दिन बाद, फिर हमारा क्या होगा? सुनो निगो चले जाना, क्या कह रहे हो, क्या बोलिए? अरे तुम्हें इतना मिल गया तो तुम निरालंबी देखो, त्रियांश में अविनारकियों के वर्णन किए, समुद्र में असंख्यात सम्यक दृष्टि है, कितने गलत बोल गया, सम्यक दृष्टि नहीं, पंचम गुणस्थान वर्ती, पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक असंख्या, और एक दिन भी समय सार नहीं पड़ती, एक दिन भी माला नहीं फेरते ऐसे ऐसे, एक दिन भी मंदिर नहीं आ सकते, देश सास गुरु नहीं, मैंने ऐसी परिस्थितियों में भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, उनके भाव नहीं बिगड़ने वाले, असंख्या सम्यक दृष्टि जो त्रियंश गति में है, वे अंत में उनका त्रियंश, अब यहाँ से स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग से मनुष्य होंगे, स्वर्ग जाएंगे मनुष्य होंगे और मोक्ष चले जाएंगे, माने अब उनको अंतिम भव है वो त्रियंश का, नारकियों का वो अंत में नरक का, वहां से निकलेंगे स्वर्ग जाएंगे मनुष्य जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे मनुष्य जाएंगे, मोक्ष चले जाएंगे, बस खत्म। आप समझ रहे होगे, जो मंदिर नहीं आता, पूजा पाठ नहीं कर रहा, माला नहीं फेर रहा, केवल निरालंबी देख रहा है, ऐसे जीव का अंतिम भव है त्रियंश का, अंतिम भव है नरक का, अंतिम भव है मनुष्य, मतलब ऐसे मनुष्य में तो लग सकता है राउंड थोड़ा, एक दो, दो चार छह आठ, बस ज्यादा नहीं। अब आप सोचो निरालंबी की कीमत क्या है, मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक स्वयं में परिपूर्ण हूँ, अब रुक गया मैं, वो क्या कहूंगा, स्वयं में परिपूर्ण हूँ, निरालंबी हूँ, क्या तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, मम्मी नहीं है, तो मम्मी नहीं है तो क्या कर, मम्मी यहाँ करेगी क्या भाई, बीए एमए की पढ़ाई तुम्हें करना है कि मम्मी को करना है, नहीं मम्मी को होना चाहिए, वे नहीं होगी तो मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसा कोई गधा है, अरे मम्मी हो तो मुझे ही पढ़ना है, और मम्मी नहीं हो तो अभी मुझे ही पढ़ना है, मेरी पढ़ाई मम्मी थोड़ी कर लेगी, आगे समझ में आया, मैंने निरालंबी का मतलब समझ लो, ओहो कुछ कह रहा हूं, अब फिर से निरालंबी के लिए एक बात कहना चाह रहा हूं, उपादान की इतनी महिमा आ गई कि निमित्तों की याद नहीं आती, निमित्तों की प्रतीक्षा नहीं रहती, निमित्तों की वांट क्या कहना चाहिए, चाहना कामना नहीं रहती, रहे तो रहो हमें कोई दिक्कत नहीं, रहो तो रहो, नहीं रहो तो हमें कोई याद नहीं आती, क्यों, क्योंकि मेरा काम मेरे से मेरे में पूरा होने वाला है, मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक स्वयं में परिपूर्ण हूँ, निरालंबी समझ लो भाई, सभी लोग समझना, अभी फिर मेहनत करना, अभी समझ में नहीं आया, जब आपको उठते बैठते चलते फिरते निरालंबी याद आने लगे, गेहों से ज्ञान नहीं लगे, इंद्रियों से ज्ञान नहीं लगे, एक मुझे याद नहीं आ रहा कौन का नाम, कोई नाम याद नहीं है, उनकी आंखें चली गई, आंखें नहीं रही, बुजुर्ग अवस्था में आंखें नहीं रही, लेकिन वे बहुत प्रसन्न रहते थे, बहुत प्रसन्न, तो लोग उनसे कहते थे, अरे ऐसे करते हैं लोग, लोगों की आदत होती है, अरे आंखें नहीं रही, अरे बुढ़ापे में, अरे तो इतने हंस के बोले मुझे तो मजा आ गया, बोले क्यों, कि जिसे देखना था उसके लिए आंखें चाहिए ही नहीं थी, आंखों से वो दिखता ही नहीं था, और आंखों से जो दिखता था उसे हम देखना नहीं चाहते थे, नहीं समझ, आंखों से क्या दिखता है तुम्हें बताओ, क्या दिखता है, आंखों से जो दिखता है उसे हम पहले ही नहीं देखना चाहते थे, और जिसे मैं देखना चाहता हूँ वो आंखों से रहे चाहे अभी जाए, निरालंबी का मजा है, अब देखो जो निर्णय कर लेगा वो सही में मजे करेगा, और जो निर्णय नहीं करेगा वो केवल रोएगा, पंडित जी हम अवसार हो धर्म पानी में चलोगा क्या, कैसे चला गया पंडित जी, अब आंखें होती थी तो हम भगवान को देखते थे, शास्त्र पढ़ते थे,
कुछ उल्टा नहीं समझो तो कहूं बोलो, उल्टा नहीं समझ ना, उल्टा समझो तो मोक्ष मार्ग में अपने परिणामों की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। देखा रहता ना रेल में बस में, इस यात्रा में आपके अपने सामान की जिम्मेदारी, अपने सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, इसलिए आपकी आप जानो। मैं तो कहना भैया जैन शासन आलंबन बढ़ाने के लिए नहीं है, हम पूजा करते रहे इसके लिए नहीं है। मेरे ख्याल से तो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा अभी मैंने लोगों को धर्म करने की भावना देती ना, तो इस समय हर मंदिर के बाहर लिखा है चालीसा का पाठ, भक्तामर का पाठ, कल्याण स्तूत का पाठ, फला का पाठ, फिर बाद में शानदार नाश्ता आप जरूर पधारे। तो जो करा लेते ना उन्हें बड़ी वो लगती है, आज हमने बहुत बड़ा धर्म किया। जैसे लोग गंगा नहाते हैं ना, ऐसे साल भर में एक एक जन करता रहता कुछ ना कुछ, तो उसे लगता है हमने बहुत कुछ किया। मैं नाराज नहीं होना ये कोई है ना, करते हो तो ठीक है, जितनी अक्कल है उतना जरूर करो, लेकिन 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 भैया मैं बहुत ऊंची बात कह रहा हूँ, देव सास गुरु आलम्बन का पोषण करने के लिए नहीं है, आलम्बी अनुभव करने के लिए नहीं है, आलम्बन बढ़ाने के लिए नहीं है, काय के लिए है, निरालम्बी। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, छोटा बच्चा, अब तो ये सब बड़े हैं, इन्हें छोटा नहीं दिख रहा कोई, तो इन ये जब भी जाते हैं ना मंदिर छोटे छोटे, तो मम्मी की उंगली पकड़ लेते हैं, और जब बच्चा इंडिपेंडेंट चलने लगता है ना, फिर मम्मी कहती उंगली पकड़, वो भागता है। तो उंगली कब तक पकड़ना चाहिए? जब तक मैं स्वावलंबी। कब तक? वो तीन पहिये की गाड़ी कब तक चलाना, वो घर में तीन पहिये वाली, जब तक घुटने ताकतवर नहीं हो जाए, जांघों में बल नहीं आ जाए, इंडिपेंडेंट चलने की शक्ति नहीं आ जाए, तब तक है वो। लेकिन क्यों, तीन पहिये की गाड़ी काहे के लिए, समझो 25 साल का नौजवान लड़की देखने गया, तीन पहिये की गाड़ी ले गया। तो लड़की देखते ही मना कर देगी, रिजेक्टेड। बोले क्यों? कि अभी तक ये स्वावलंबी नहीं हो पाए, इन्हें चलने के लिए अभी भी तीन पहिये की गाड़ी क्या कहलाती है, जो भी तुम कहते हो समझ लेना, हर गांव का अलग नाम होगा, पता नहीं कर। लकड़ी की होती है तीन पहिये वाली, भैया वो बच्चे को शोभा देती है, कुछ कह रहा हूं। ऐसे ही देश सास गुरु की पूजा, आलंबन, बार बार उनके निकट बने रहना और उनके ही पास बने रहने में धन अनुभव करना, ये जैन शासन नहीं है। देखो उल्टा नहीं पकड़ना, जो लोग नए नए आए हों उन्हें मेरे पिछले प्रवचन सुनना चाहिए। हाँ नहीं तो उनको ऐसा लगे भैया इस बार तो पता नहीं पंडित जी क्या बोल रहे, मैं तो वैसे ही नहीं आता था। वैसे ही मंदिर में मुझे मजा नहीं आता था, सास पढ़ने की इच्छा नहीं थी, मुझे जैसे जैसे आगे मम्मी की ठोकने से। ऐसा नहीं समझना, ये तो परावलंबन भी स्वावलंबन के लिए है, ये मुझे कहना है। परावलंबन नहीं लेना ये मैं नहीं कहता हूँ, परावलंबन स्वावलंबी नहीं हो तो परावलंबन लेना, लेकिन परावलंबी नहीं होना। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? बहुत बारीक अक्षर हो तो लेंस से देख लेना, लेकिन तुम हर जगह लेंस लगाओ और लड़की देखने गए वो लेंस से देख रहा। नहीं, स्वावलंबी हो ना, समझ आया? हा हा, क्या कमाल की चर्चा, बहुत गर्व। अब देखो कितना गरिष्ठ पार्ट है, अब चलो अपन तो आगे चलते हैं, आप लगा लेना ना, निरालंबी पे बहुत मेहनत करना। आलम्बन छोड़ने के लिए है बस, ये समझो भाई। समय साजी में टीका करते हुए लिखा है, निचले पद में हस्तावलंबवत है, कमजोर आदमी को लाठी होती है ना बैसाखी होती है, ऐसे तत्व चर्चा, सत्संग, नए निक्षेप, प्रमाण आदि, ये जो चर्चा है वो हस्तावलंब है। हस्तावलंब मतलब जब तुम कमजोर हो तो उसका प्रयोग करना, बाद में उसकी जरूरत नहीं है, फिर तो सीधे सीधे अगर नहीं समझ में। आत्मा का भी ऐसे निर्णय करना, निरावलंबी है, निरपेक्ष है, परिपूर्ण है, सब सब लगा लेना, असहाय है, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, ये सब लगाना इस जगह पे, निर्णय करना और फिर थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना, सोचना भी हो आपको बहुत आनंद आएगा।
और यदि आनंद आएगा तो आपको इसकी खुमारी बढ़ेगी, इसी से डूबते चले जाओगे और फिर आपका मोक्ष दूर नहीं है। बस मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल आखिरी देता हूँ, फिर अगली लाइन पढ़ता हूँ। जैसे जिस लड़के की सगाई नहीं हुई, अभी शादी नहीं हुई, सगाई भी नहीं हुई, अब उसके पास 50 लड़कियों के ऑफर है, लड़कियों के नहीं, मैंने उसके पापा के, लड़कियों के पापा के मतलब, तो अब उसके पास 50 फोटो है, 50 बायोडाटा है, क्या क्या कहलाते हैं वो, जो सब है। तो अब उसको बारम्बार सोचता है, वो कितना सोचता है शादी करना है ना, इसलिए बहुत सोचता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत दिमाग घूमता है। फिर ऑफिस जाता है ना तो उसमें फोटो नहीं ले जाता 50 रस्ते में, नहीं दिमाग में घूमता है, कहीं भी जाता है तो दिमाग में घूमता है, क्या करूं, ग्वालियर को एक्सेप्ट करूं कि नोएडा को एक्सेप्ट करूं, ये कमाती बहुत है लेकिन बर्तन मांजना नहीं आती ये कमाती नहीं है लेकिन दिखने में सुंदर, मैंने यहां से उसका गणित चलता रहता। आखिरकार बहुत मेहनत करके वो एक पर फाइनल हो जाता है, हो गया फाइनल। फिर अब पूरा फोकस किस पे हो जाता है, अब एक पर होता है। अब ध्यान से सुनना, वो पूरा फोकस एक, जितने विचार आते हैं उसी एक को लेकर आते हैं, सगाई होगी, बारात जाएगी, अंगूठी पहनाना है, फला करना है, जो हर बात उसी को लेकर के होगी। भाई ये हम चाहते हैं आज, आप आत्मा पर फोकस हो जाओ, मैं निरालंबी हूं, मैं स्वावलंबी हूं, मैं ज्ञायक हूं, ओहो मुझे सचमुच अब किसी की परवाह नहीं रही, अब मुझे कर्मों का भय नहीं रहा, अब तो मेरा मोक्ष ये रहा, मैंने एक ज्ञायक फोकस करते चले आओ। अब मैं फिर से पूछूं कोई वाला प्रश्न, कोई मुझे गाली देगा तो मैं निरालंबी भी देखूंगा तो मुझे उसकी गाली से कोई दुख होने वाला, कोई मुझे अच्छा लड्डू खिलाए तो राग उत्पन्न होने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं मैं निरालंबी हूं, गेहूं से चलू, अब तो आगे चलो, अब ये निरालंबी हुआ विचार करने लगे, अभी कायदे से तो प्रवचन ही बंद कर देना चाहिए ताकि आप निरालंबी पे मेहनत करो, लेकिन करोगे आप, मुझे विश्वास है जो मोक्ष में मिलेंगे मुझसे मैं अपने आप को तो हाईलाइट करते ही हूं वे सब भी ये विचार जरूर करेंगे। आइए, पर से नहीं संबंध कुछ भी, संयम से प्रभु सदा। मैं समय नहीं खराब करना चाह रहा अगली लाइन पढ़ने का, अभी इसमें दो बातें कहनी, पर से नहीं संबंध, इसके लिए तो मेरे पास एक चार्ट है, जिन वाणी में जितने प्रकार के संबंध आए वो सब उसमें लिखे हुए हैं, लेकिन इतना समय नहीं है, यदि मैं उसे पढ़ाऊंगा तो फिर 8-10 दिन उसी में लग जाएंगे। ऐसा कहकर के मैं कहना चाहता हूँ, गहरा स्वाध्याय करो, परस्पर में वार्तालाप करो, कौन कौन से संबंध है जिसके लिए मना कर रहे हैं। समय साहब जी की कलश टीका में सर्वविशिष्ट ज्ञान अधिकार में स्पष्ट भाषा में अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, नास्ति सर्वोपि संबंध, नास्ति सर्वोपि, सर्व कोई भी संबंध है, कोई भी क्यों, मम्मी के साथ तुम्हारा कौन सा संबंध है, माँ बेटे का, बोलो है ना, क्यों करोड़ रुपए का संबंध क्या है तुमसे, बोल बेटा है, बोलो ना स्वामी मैं करोड़पति हूँ, करोड़ रुपए मेरा स्वयं और मैं उसका स्वामी। देखो दो की पार्टी बनी, एसपी और बीएसपी ताजी बात है ना, इसलिए मैंने कह दिया उसको अब दोनों कोई मेल नहीं है लेकिन है तो अब 1 करोड़ रुपया और तुम दो होंगे ना, तो 1 करोड़ रुपए का तो नो प्रॉब्लम, जैसे 1 करोड़ चला जाता तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाता तो हर प्रसन्न भी नहीं होता, मतलब 1 करोड़ रुपया तो बिल्कुल उसे कोई मतलब नहीं। अब तुमने इसके स्वामी माना, तुमने अपने आप को इसका स्वामी माना, तो 1 करोड़ रुपए के जाते से ही तुम भयंकर दुखी हो गए, आज तक 1 करोड़ रुपया ने कभी भी थाने में जाकर रिपोर्ट नहीं लिखा कि मेरा स्वामी नहीं मिल रहा किसी मकान ने कंप्लेंट नहीं करी, किसी कार ने कंप्लेंट नहीं करी, 1 करोड़ रुपए की नई कार ठुक जाए तो भी मुस्कुराती है, मैंने उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ दुखी कौन होता है,
संबंध रखने वाला। हाँ, यहाँ कह रहे हैं विश्व में जितने संबंध रखोगे वो दुख है, लेकिन मैं तो पर से नहीं संबंध कुछ भी। पहले नक्की तो करो संबंध है कि नहीं। अब अपन इतने इतने, मैं नाम नहीं देता, आप कैसे हो, अच्छे ही हो मतलब लेकिन हम ये पढ़ तो लेते हैं, हमसे पर से कुछ संबंध नहीं, पर से कुछ भी संबंध नहीं, पर से कुछ भी संबंध नहीं, लेकिन एक इंच नहीं खिसकते अंदर में, लगता है ऐसे कैसे नहीं, ऐसे कैसे नहीं। आप एक काम करो, कोई भी माइकल लाल खड़े हो जाओ और प्रूव करके बताओ कि तुम्हारा ये संबंध टिकेगा। हाँ, दुख तो टिकेगा, लेकिन जिससे तुमने संबंध कायम किया उसके बल पर सुखी सिद्ध करके दिखाओ। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहता हूँ, शॉर्ट में कहता हूँ, इस शरीर में एक पर्याय में भी तुम हेर फेर करके बताओ। तुम स्वामी मानते हो ये तुम्हारी चूक है, शरीर में एक पर्याय तुमसे नहीं पूछ के होगी, सब सिर का एक बाल तुमसे पूछ के नहीं गिरेगा, एक बाल तुमसे पूछ के सफेद नहीं होगा, तुम्हारी एक भी पर्याय में नहीं चलती। अब तुम फटे में टांग उल जाओ दर्पण देख देख करके फटे में टांग मिल जाता है आदमी, देखा आपने दर्पण में देखो, आज का दिन सबसे ब्लैक डे बोले क्यों, जिंदगी में पहली बार मुझे दो सफेद बाल नजर आए। ऐसे ऐसे एक 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 देख देख के परेशान। जितने बच्चे जो हीरो को देखते हैं ना फिल्मों में, शॉर्टलेस शर्टलेस मतलब शर्टलेस तो इन बच्चों को एक ही तकलीफ होती है, यार इसके सिक्स पैक है, एट हो गए होंगे, एट बता रहा जी, फौरन अपना ढिल्ला पुल्ला पतला पतला शरीर हड्डी पसली दिखाई देती थी, ऐसा लगता है यार अपन किसी काम के नहीं। भैया तो जे तेरे से पूछ के कुछ कह रहा है क्या वो ऐसा ऐसा रिलेशन है आपका, दुखी होने का रिलेशन तो बनाते हो आप, लेकिन ये शरीर का एक भी पर्याय तुमसे पूछ के नहीं होती, तुम्हारे लिए नहीं होती। सटकारक लगा देना, सटकारक लगाना मैंने एक महीने का प्रवचन कह दिया एक महीने का प्रवचन कह दिया सटकारक लगाना, तुम इसके कर्ता नहीं, तुम इसका कर्म नहीं, ये तुम्हारा कर्ता नहीं, ये तुम्हारा कर्म नहीं, संप्रदान नहीं, अपादान नहीं, अधिकरण नहीं। ग्रंथों में बहुत अच्छे अच्छे दृष्टांत आए मोक्ष में, प्रकाशक जी वगैरह में, आकाश में जैसे एक बहुत सुंदर महल की रचना हुई, बहुत सुंदर महल की रचना, और वो एक आदमी बोला मेरा है जी महल, दूसरा बोला नहीं पहले तो मैं भले ही दिखा है लेकिन मेरे घर के ऊपर है इसलिए मेरा है। वे लठ चलने लगे दोनों, दोनों के सिर खुल गए दोनों हॉस्पिटल में पहुंच गए, पुलिस आई, रिपोर्ट हुआ, सब कुछ हुआ। बोला ये मेरे महल पे कब्जा कर रहा था, बोले ये मेरे महल पे कब्जा कर रहा था, बोले कौन सा महल रजिस्ट्री बताओ। नहीं समझ कि साहब वो आकाश में बादलों का महल, कोई समझ में आ रहा है, बादलों का महल नहीं बन जाता, मंदिर बन जाता है, डिजाइन बनता है। इसने कहा मेरा, इसने कहा मेरा, वो किसी का भी नहीं था, दोनों के सिर फूट गए, दोनों का मुकदमा चलता रहा, दोनों जेल चले गए, दोनों बस जो होता रहा वो होता रहा। फिर वो उसने कहा कौन वो क्या जगह बताओ, लोकेशन कहाँ है वो महल, क्या कहलाता है वो, लोकेशन पे जाकर के डिसीजन होगा, देखेंगे हम कहाँ है वो बताओ। हाँ स्पॉट डिसीजन करते हैं, जो भी कुछ करते हैं स्पॉट इंस्पेक्शन जो भी कुछ। तो वो जज आया, ला बताओ कहाँ है, किसा इधर ही था। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, जैसे आकाश के महल के लिए लड़ाई व्यर्थ है, ऐसे इस शरीर इपाच इंद्रिय के विषय भोग कर्मों का उदय, जितनी जितनी चीज तुम्हें दिखाई दे रही दुनिया की, वो सब तुम्हारे लिए आकाश के इंद्रधनुष के समान है। ग्रंथों पढ़ लेना इंद्रधनुष, दूसरी भाषा मिलेगी मृग जल, मृग मरीचिका, थकाए जा रहे बस। पंडित साहब ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया, मैं कोशिश करता हूँ उसे अच्छे से कहने की। आप रेगिस्तान में फंस गए, रेगिस्तान से समझते होंगे सब लोग, रेगिस्तान मैंने यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत है। अभी आपको बहुत जम के प्यास लगी, बहुत जम के प्यास, तो आपको वो लग रहा है वो है पानी वहां चमक रहा है, तो आप किसी तरह से वहां तक पहुंचे। ध्यान से सुनना पूरी बात, ध्यान से
तो अब यहाँ चमकता हुआ पानी दिख रहा था, आप यहाँ आए, लेकिन यहाँ पानी नहीं दिख रहा। अब आपने पीछे मुड़ के देखा कि जहाँ आप खड़े थे ना वहां पानी चमक रहा है, जहाँ आप खड़े थे वृक्ष के पास तुमने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पानी है, पानी माने चमक। अभी मेरा आपसे प्रश्न है विवेक, तुम वापस उसी वृक्ष के पास आओगे कि नहीं जहां तुम पहले खड़े थे? बोलो नहीं आई, क्योंकि हमें अच्छी तरह से स्वानुभूतियां चकासती है कि इसी स्थान पर मैं खड़ा था जहां अभी पानी चमकता दिखाई दे रहा है वहां सचमुच पानी नहीं है। मैंने कुछ कहा है आपको? ऐसे ही जो व्यक्ति पहले निर्णय कर लेता है कि आत्मा में ही सुख है, पांच इंद्रियों के विषयों में सुख नहीं है, वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है, लेकिन वापस मुड़ के देखता है तो हो सकता है उस ब्रह्मचारी को भी लगता है अरे यार इनकी शादी हो गई, अरे यार ये मजे कर रहे हैं, अरे ये टीवी देख रहे हैं, अरे यार ये मजे कर रहे हैं, लेकिन वो वापस सोचता है पहले मैं वहीं खड़ा था लेकिन वहां सुख नहीं था, इसलिए अब मुझे वापस लौट करके उस सुख की कामना करना चाहिए नहीं। अब आप देखो, आपको भी लगता है सुख है, लेकिन मृग मरीच का है, इंद्रधनुष है, और इसके लिए कौन सा वर्णन चल रहा था याद है किसी को? पर से कुछ भी कोई संबंध ही नहीं है, सुखी होने का संबंध नहीं है, स्वस्वामी का संबंध नहीं है, कर्ता कर्म का संबंध नहीं है, भोक्ता भोग का संबंध नहीं है, आधार आदि का नहीं है, सब लगा लेना वो ज्ञायक तो है। तो इतने ऐसी भाषा लिखी है, उपचार से कहना हो तो ज्ञायक संबंध, नए लोगों को समझा था थोड़ा, ज्ञायक संबंध क्या शब्द बोला मैंने? ज्ञायक संबंध अंतिम संबंध है जो स्वीकार किया जाता है, जो स्वीकार किया जाता है, लेकिन कैसे? उपचार से, मतलब मेरे बोलने की स्टाइल समझ में आ रही? नो वैल्यू नहीं आई समझ? देखो मैं समझाता हूं, अपने घर में कवर साफ समझते क्या? जी कवर साफ बोलते हैं, दामाद कवर साफ बोलते हैं, तो कवर साफ के दोस्त को क्या कहते हैं? वो भी कवर साहब, हाँ ऐसे ही बोलते हैं लोग, में ऐसे ही चलता है। तो कवर साहब के जी मतलब वो फ्रेंड आया उनके साथ, तो उनको भी कवर साहब कह देते, लेकिन 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 क्या दम है उसमें? दम क्या है? यदि बच्चे उनको फूफा जी बोलेंगे तो फूफा जी के मित्र को क्या बोलेंगे? फूफा जी बोलेंगे, लेकिन दम क्या है? ये है कि क्या समय मैंने हमने किए कि आज संबंध कहा, लेकिन दाम कुछ नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? अब एक और दृष्टांत देता हूँ, जरा याद रह जाएगा आपको। पहले जमाने में रेलगाड़ी में वो खिड़कियों वो नहीं थी, सरिया क्या लगे रहते उसमें? लगे रहते ना, आजकल तो लगे रहते, तो पहले जमाने में नहीं रहते थे, तो लोग क्या करते थे, लोग सामान लेके होते थे ना तो वो गेट पे से घुसेंगे, तो ये क्या करते थे, अपने पप्पू को घुसा देते थे यहाँ से यहाँ से बिठा देते उसको, जब मैंने इसको घुसा दे बैठ जाएगा जाके। तो अब जो लोग पप्पू नहीं हो उनको बढ़िया आफत है, पप्पू को तो घुसा दे, और इतना बड़ा सूटकेस तो नहीं घुसा सकते, तो फिर लोग क्या करते थे, एक रुमाल रख देते थे, रुमाल तो अभी भी रख देते हैं लोग ऐसे जनरल कंपार्टमेंट में, ऐसी जगह मिल जाए तो भैया अब उसे लोग मेहनत कर रहे हैं मेन गेट से, और जो गेट मेहनत कर रहा है विंडो से, और विंडो में से इसने क्या किया, केवल जगह के मामले में क्या किया, मात्र देखा, और देखते ही बोलता भाई साहब ये जगह मारी। अब जनरल कंपार्टमेंट इसकी कैसे हो गई। तो फिर जो लोग होते हैं साहसी लोग, सामान लेके अंदर जाते हैं उस जगह बैठ जाते हैं, तो वो कहता भाई साहब ये जगह हमारी। बोले कैसे? सबसे पहले विंडो में से मैंने देखी थी। कौन सा संबंध है? गे गया है। वे कहते भाई साहब तुम्हारा तो गे गया है, लेकिन मेरा तो ग्राहक है म
मैं तो वहां तक आ ही गया ना, मैं तो बैठ ही गया। जनरल कंपार्टमेंट देखने से काम नहीं चलेगा, पहुंचने से काम चलेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? ये क्या 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 कीमत है बोलो? तो फिर लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं जनरल कंपार्टमेंट में, बहुत झगड़े होते हैं। आप लोगों को तो ज्यादा अनुभव नहीं होंगे क्योंकि सब पैसे वाले हो तो रिजर्वेशन में जाते होंगे। लेकिन जनरल कंपार्टमेंट में जाना तो फिर वो लड़ाई झगड़ा होता है। तो फिर वो कहता है देखो भाई साहब बहस मत करो, मैं आ गया हूं पहले, वो बैठ गया। तो फिर वो कहता है लॉजिक लॉजिक। अब लॉजिक क्या था उसको वो देखने वाला? तो बोले भैया तुम किसी लड़की को देख लोगे क्या तुम्हारी हो जाएगी? और फिर तुम किसी बच्चे को देख लोगे तो वो तुम्हारा हो जाए? और किसी मकान को देख लोगे तो बोला अरे बोलो तुम्हारा हो जाएगा। मतलब ये उसका लॉजिक होता है। मुझे इसमें कुछ कहना है, मिथ्या दृष्टि का यही लॉजिक है, मैं जिसे भी जानता हूं वो उसका स्वामी मैं हूं। उसके लिए मना कर रहे, संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं बहुत सीरियसली, अंदर से बहुत गंभीरता से। अनादिकाल से जो तुम्हारा कोई कुछ नहीं था, तुम उसके लिए अनंत काल से अनादिकाल से मरते मिटते चले आ रहे, मरते मिटते चले आ रहे। मैं ये कह रहा हूं रेलगाड़ी में किसी ने वो स्मगलिंग का सामान टांग दिया। अब जब आए ना इंस्पेक्टर वगैरह सब चेक करने वाले पुलिस, तो वो किसका है? भाई साहब किसी का नहीं है तो हमारा तो है ही। क्यों 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 है तुम्हारा? क्योंकि मैंने देखा है 6 घंटे से टंगा है। अब वो तो स्मगलिंग का माल था, कौन पिटेगा? कौन पिटेगा बोला? ऐसे अब जी बेचारा जबरन जेल मुकदमा जबरन। तो बाद में मालूम पड़ा हमारा तो था ही नहीं, वो तो किसी का टंगा था। हमने सोचा वो किसी का है तो उसकी रक्षा करें। भाई तुझे रक्षा करने की क्या गरज? ऐसे इसको इतनी चिंता है परद्रव्य की, मिथ्या दृष्टि को परद्रव्य की इतनी चिंता है, समाज का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, उसका क्या होगा, लड़कियों का विवाह सम्मेलन करो, फलाका कर दो, इन्हें पढ़ा लिखा दो, इनको ऐसा कर दो, मान ना मान मैं तेरा। पिटेगा कि नहीं पिटेगा? कौन की स्टोरी सुनाई इतनी शॉर्ट में? मिथ्या दृष्टि की, अनादिकाल की। एक भी परमाणु इसका नहीं था, एक भी द्रव इसका नहीं था, नो रिलेशन। क्या बोल रहे हैं? पर से कुछ भी कोई संबंध ही नहीं था। लेकिन मेरा है बस। आपको समझ में आ रहा है कि और समझाऊं? दृष्टांत दे देगा कि 2-3 दृष्टांत दिए, आप खूब फैला लेना इसको। क्यों? इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो क्रिकेट का, वर्ल्ड कप फाइनल 2020, जिसमें भारत ने 300 रन बनाए, जिसमें अभी तक किसी नहीं बनाए थे ना 2020 में। और आपको कैसा लग रहा है आज? आज तो पक्के में जीतेंगे, 300 रन 300 बहुत नहीं। और पाकिस्तान जीत गया, क्यों? क्योंकि तुम्हारे खिलाड़ियों ने 9 बॉल बहुत फेंकी, वाइड बॉल बहुत फेंकी और खुद बेजीत गए। तुम्हें कैसा लग रहा है? अरे बोलो जल्दी, क्या लग रहा है? कैसा लग रहा है बोलो? पढ़ लीजिए। आज तो ना रोटी खाने में मन लग रहा है, ऐसे ऐसे इतनी दांत खींची ऐसे करके। विराट कोहली आज 0 पे आउट हो गए, शादी कर ली और आउट। काय जैसे शादी नहीं करना चाहिए ना सबको। मैंने ऐसी इतनी इतनी बाप रे बाप, कितने उसके 1-2 मैच क्या हार गए, विराट कोहली टारगेट पे, अनुष्का शर्मा फली नहीं। मैं दृष्टांत दे रहा हूं। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, इससे तुम्हें क्या मिला? जीत जाते तो क्या मिल जाता? हार गए तो तुम्हारा क्या गया? हिसाब लगाओ, ऐसे नहीं लेना एक ना देना तो फ्री में ही। कितने ही लोग तो इतने प्यारे होते हैं, सुसाइड। और कुछ लोगों को पहले जमाने में वो रखते थे सुनने के लिए ट्रांजिस्टर, गुस्से में आ गए जो ही थे मारा। पाकिस्तान में तो जब कभी ऐसा मामला आता तो बंदूक रखी होती घर में, तो
टीवी में एक बंदूक क्या गया? तुम्हारा संबंध क्या था? जीतने पर तुम्हें क्या मिलता था और हारने पर तुम्हारा क्या जाता था? लेकिन जिस जिस से तुम संबंध कायम करते हो उसका दुख तुम्हारे हिस्से में आता है लेकिन सुख तुम्हारे हिस्से में नहीं आता। ये दृष्टांत सरल था इसलिए मैंने रिपीट किया आपको। आप कर लो जिस जिस से रिलेशन कायम कर लो, लेना ही नहीं देना तो कोई मतलब नहीं है। और आईपीएल में दिल्ली खेलती क्यों? तो दिल्ली से कितने लोग कनेक्ट होते हैं? आज शिमला छोड़ बाहर में जाओ, जीत गए तो सही है ठीक है, नहीं जीते तो कोई मतलब नहीं, क्या लेना देना है। मेरा मतलब है जहां जहां भेद विज्ञान के बल पर आप स्वामित्व अनुभव नहीं करोगे वहां वहां आप सुखी रहोगे। अब चलो वापस, कुछ कहना है मुझे, एक बढ़िया वाक्य कहना है मुझे, सैद्धांतिक बात कहना है थोड़ी सी। ओहो, आत्मा को विश्व के साथ रिलेशन कायम करने में एक चीज काम आ रही थी, वो ज्ञान। जहां जहां ये जानता था वहां रिलेशन बनाता था, जहां नहीं जानता वहां रिलेशन नहीं बनाता। क्यों? पोलैंड में तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? मैं तुम जानते भी नहीं हो, कोई वहां कोई लेना देना नहीं। मैंने थोड़े से पकड़ो, संबंध बनाने में दुरुपयोग किया आपने किसका? ज्ञान का। क्योंकि जिस जिसको जानते हो उसमें तुमने संबंध कायम किया। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोला हमने? बस सुनना, बहुत मर्म की बात कह रहा हूं, आपको समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। जानने का दुरुपयोग करके संबंध कायम किया आपने। सुनो अब सुखी होने की विधि बता रहे, जानते ही संबंध मत बनाओ, केवल ज्ञान हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं? केवली भगवान लोका लोक के ज्ञाता तो है लेकिन नो रिलेशन। सुखी होने की विधि, और देख लेना आप रेलगाड़ी में जा रहे हो, कोई को हार्ट अटैक हो जाए आपको, आपको कोई मतलब नहीं। कोई मर जाए, जी जाए, कुछ हो जाए, फला हो जाए, कुछ हो जाए, आपको कोई मतलब नहीं। कोई को अरेस्ट करके ले जाए, टीसी पेनल्टी वसूल ले जाए, या वो क्या कहलाता है रिश्वत खा जाए, आपको कोई मतलब नहीं। लेकिन जिस जिससे आप रिलेशन रखते हो उससे आपको मेरे से बड़ा प्रेम हो गया। अब मेरे को तकलीफ होगी ना तो सारे देश को टेंशन, पंडित जी पकड़े गए, कौन ने पकड़ा? टीसी ने, पंडित जी विदाउट टिकट। अब जी चक्कर कितना मैसेज घूमेगा, कितना मैसेज घूमेगा, बोला बहुत चल रहा है। क्यों? कि आपने संबंध कायम कर लिया। फिर से बोलूं तीसरी बार, वर्ल्ड के साथ ज्ञान से ही जानना होता था आपको, और आप गलती ये करते थे जानते से ही संबंध कायम करते थे। अब संबंध कायम करते थे दुख की श्रृंखला चालू हो जाती थी। भगवान बनने की क्या विधि हुई? केवल ज्ञानी लोका लोक को जानते हैं लेकिन, अब सोचो कितनी कीमती लाइन है, पर से कुछ भी बोलो। कॉलेज में लड़के जितनी लड़कियों को देखते ना फिर पहले कल्पना करते हैं, और फिर वो कल्पना तो पूरी हो नहीं सकती, फिर बेचारे दुखी 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 दुखी, यार कोई घास नहीं डालता। ये तो घास कैसे डाले, तू ढोर है? माने ऐसे आप हर जगह लगा लो, आप जहां जहां संबंध कायम करेंगे वहीं वहीं दुखी हो गए। संबंध नहीं करो, मजे करो, छट्टी हो गई। मैं इतना खुश हो रहा हूँ ये बाकी बता करके, बहुत मजा आ रहा है मुझे। मेरा बस चले तो इसी की घुटाई करता रहा हूं। समझ में आया कुछ? पर से कुछ भी, पर से नहीं संबंध कुछ भी, स्वयं सिद्ध प्रभु सर। बस अब टाइम है जितना उतने में इसको चलाना भी, मुझे लगता नहीं अपन पूरे 8 और 9 छंद पढ़ा पाएंगे। लेकिन एक बात तो आपको जिज्ञासा पैदा करके जाएंगे, इसमें खूब डूबो। मेरा बस चले ना यदि मेरे से कोई प्रतिज्ञा करा दे कि जिंदगी में आप प्रतिज्ञा करो कोई ग्रंथ नहीं पढ़ोगे, इस रचना में मेरी जिंदगी चली जाएगी। मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो मैं तो बता रहा हूँ, अब तुम तो क्या 50 आइटम सुनते हो, 50 बातें तुम कितनी याद रखोगे, क्या करोगे? क्योंकि जो खोदता है ना उसी को मजा आता है, जो बनाता है ना उसे मजा आता है। इसलिए मेरा आनंद मैं शेयर नहीं कर सकता आपको, लेकिन आपको इशारा कर सकता हूँ कि मोटिवेट कर सकता हूँ कि आप करो इसे। मैंने तो सुबह कहा था भैया इनसे, अनिल से, इसकी कक्षा ले, पीना हो इसका रस। चलो वापस,
स्वयं सिद्ध, पहले तो स्वयं सिद्ध, स्वयं सिद्ध, स्वयं सिद्ध समझते हो? वो सिद्ध नहीं, अरंत वाला सिद्ध नहीं, स्वयं सिद्ध। स्वयं सिद्ध माने अकृत्रिम, अकृत्रिम, किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने सिद्ध नहीं किया है, मम्मी पापा ने मिलकर के सिद्ध नहीं किया है, किसी देवी देवता की कृपा से नहीं सिद्ध हुआ है। सिद्ध माने आत्मा अनादि अनंत है, आत्मा में अनंत गुण अनादि अनंत है। इंग्लिश में बोलूं तो ऑटोमोशन सिस्टम, ऑटोमोशन समझते हैं, ऑटोमेटिक, माने किसी ने किया नहीं, ये कहना है। इससे क्या कहना चाह रहे हैं? अरे इसमें मजे की बात छिपी हुई है, आप चाहो तो इसके लिए अस्तित्व गुण का प्रवचन सुनना। मुझे नहीं पता 2-4-6 कितने प्रवचन, 2-4 मुझे मालूम नहीं, जैन सिद्धांत पीठिका में 2-3 घंटे के तो होंगे पक्के में, अस्तित्व गुण का प्रवचन जैन सिद्धांत पीठिका में सुन लेना विस्तार से। अभी तो मैं इतना ही कहूंगा, ओहो स्वयं सिद्ध हो इसीलिए किसी के किसी कर्मों से नष्ट होने वाला नहीं हूं, कसायों से नष्ट होने वाला नहीं हूं, और कोई देवी देवता नाराज हो जाए, हो जाए क्या कह रहे तो मुझे देवी देवताओं का भय नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं सिद्ध पदार्थ हूं, मुझे कोई नष्ट करने में समर्थ है। मैं किसी कृपा, मैं किसी का ऑब्लिगेशन नहीं लेने वाला, ऑब्लाइज नहीं हूं, भैया फला देवता की कृपा से पैदा हुआ। हाँ आत्मा हो, आत्मा। कई बार बच्चों के नाम रख देते हैं पारस, महावीर, ऐसा कुछ रख देते हैं, तो उनसे पूछा क्यों आपने, आपको पारस नाम अच्छे लगते हैं, महावीर भगवान? अरे नहीं भैया मैं दो ही अच्छे नहीं लगते। बोले तो फिर क्या हुआ था? अरे पारसनाथ भगवान की सप्तमी के दिन इसका जन्म हुआ था, जन्म हुआ था इसलिए इसने इसका नाम पारसनाथ रख दिया। मालूम मालूम कुछ नहीं है ये, उन्होंने कहा था भैया पारसनाथ भगवान को नरियल चढ़ा दो, 10 साल तक बच्चा नहीं हुआ, नरियल चढ़ाया और फिर हो गया। तो भगवान ने इतनी बड़ी चीज दी तो थोड़ा उनका नाम ही ले लो कम से कम। मैंने जी जी दीवालापन, दिवालियापन है एकदम। मैं तो बहुत गहरी बात कहता हूँ, किसी की कृपा से जन्म नहीं हुआ और किसी के कारण में मरने वाला नहीं हो, मरने वाला मैंने शरीर नहीं, शरीर भी नहीं मरता हो, ध्यान रखना। विश्व में जन्म और मरण नाम का कोई शब्द केवल उपचरित है, औपचारिक है, खरे खर तो ना इसका जन्म मरण होता है और ना आत्मा का जन्म मरण होता है। चलो आगे चलते हैं। स्वयं सिद्ध, स्वयं सिद्ध हो गया, प्रभु सदा, सदा का मतलब पहले समझ ले, सदा माने तो हमेशा, ऑलवेज, हर समय, सदा, ठीक बराबर। अब इसमें सदा तो बहुत सरल है, मैं प्रयोग करेंगे अपन, सदा के पहले प्रभु, जिस समझ में आ जाए तो आपको बल्लियों उछलोगे आप। तुम कौन हो? प्रभु। कौन है, कौन है ये पंडित जी? आप कह रहे तो हम कहते रहे, वैसे जैसे हम गटर में से वो निकालते ना गेंद तो ऐसे चढ़ा लेते हैं, ऐसे आप कह रहे तो हम बोल दे रहे हैं हम प्रभु हैं। अभी जब चेहरे पे वो रोमांच नहीं आया क्योंकि कहलाना पड़ रहा है प्रभु हो। नहीं मैं समझा दो, प्रभु का मतलब समझते हो? प्रभु का मतलब डरो मत, अपना कार्य करने में समर्थ और स्वाधीनता से समर्थ, दो बातें कही हैं। यदि आप पढ़ना चाहो तो प्रभुत्व शक्ति पढ़ो, प्रभुत्व शक्ति। छह द्रव्य में, वैसे तो आत्मा की बात करना चाहिए मुझे, लेकिन छह द्रव्य में एक प्रभुत्व नाम की शक्ति है जिसके कारण छह द्रव्य प्रभु हैं। मैं इससे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इतनी चर्चा में समय हो जाएगा। छह द्रव्य, हाँ बोलो, प्रभु हैं, छह द्रव्य प्रभु हैं, मैं भी प्रभु हूं। अब 47 शक्तियों में परिभाषा पढ़ना, अखंड प्रताप से शोभायमान पना जिसका लक्षण है, स्वाधीनता जिसका लक्षण है, अखंड प्रताप, अखंड प्रताप से शोभायमान जिसका लक्षण है, ऐसी प्रभुत्व नाम की शक्ति। मैं समझाता हूं थोड़ा, एक दृष्टांत पहले थोड़ा सा
सरल दृष्टांत, 10 तोला सोना, 10 तोले का एक बिस्किट बन जाता है? नहीं नहीं, एक बिस्किट, 10 तोले का एक बिस्किट, 10 तोले का एक बिस्किट, और मैं फ्री में तुम्हें दूं, फ्री में, लेकिन एक शर्त है, गटर में पटक दूंगा फिर वहां से उठाना पड़ेगा, तो आप लोग लोगे कि नहीं लोगे? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो हैं? ले लोगे पक्का? जब बच्चा कह रहा है इसका मतलब तो सब, क्यों बच्चे प्राय गटर में हाथ नहीं डालते? बच्चों को ऐसा लगता है मेरी मम्मी ने कहा था बेटे गटर में हाथ नहीं डालना, लेकिन बच्चा भी रेडी है। क्यों क्यों रेडी हो तुम? क्योंकि भाई साहब, हाँ बोलो, आ गया 10 तोला सोना, आप समझते हो पंडित जी 10 तोला? अब गटर में पड़ी हुई, अब ध्यान से सुना, गटर में पड़ी हुई अवस्था में भी आप क्यों उठा लोगे वो सोना? आपको शर्म नहीं आती? आपको बदबू नहीं आ रही? और इतनी गंदी गंदी बदबूदार में आपको शर्म नहीं आ रही? बोलो 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 जल्दी बोलो, उत्तर दो, जो तुम जो बोलोगे वही मेरा उत्तर होगा फिर। पंडित जी आप समझते नहीं हो, सोने के अखंड प्रताप को गटर की गंदगी खंड खंड नहीं करती, स्वर्णत्व को अखंड प्रताप और गटर की गंदगी। कितनी देर पड़ी रहे, कितनी देर सोना पड़ा रहे गटर में कि तुम उठाओगे? नहीं उठाओगे? बोलो कितनी देर में नहीं उठाओगे? 1 घंटा में, 2 घंटा, 3 घंटा पड़ा रहे फिर तो नहीं उठाओगे? फिर भी उठा ले, ले 6 घंटा पड़ा रहे तो? बोल बोल जल्दी, असली बनिया का बेटा है, बोल। अब वो तो तुम सब भी हो, क्या बात है? नहीं तुम में कोई माइक ला लो तो बोलो कब छोड़ दोगे? बोलो 10 घंटा पड़ा रहे गटर में तो क्या करोगे? 1 साल पड़ा रहे तो क्या करोगे? बोलो, ये है अखंड प्रताप। आपको पूरा भरोसा है कि 10 तोला सोने का रत्ती भर भी बिगाड़ नहीं होता, किंचित मात्र भी बिगाड़ नहीं होता, उसका कुछ बिगड़ता नहीं है, वो गटर की गंदगी उसके अंदर जे। इसका नाम है प्रभु, सोना प्रभु है, उसके प्रभुत्व को गटर की गंदगी खंडित करते। एक घटना याद आ गई इसलिए मैं चुप हो गया। एक महिला थी, चैन स्नेचिंग नहीं कर रहे थे, चैन स्नेचर होते हो, तो उसने चैन तोड़ी, महिला की चैन तोड़ी, इतने उसने शोर मचा दिया। अब जब उसने देखा कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो उसने खा गया, वो खा गया वो। अब वो सब आ गए, पुलिस पुलिस आ गई, सब आ गए, तो सब चेकिंग हो गई। वो चैन तो मिल नहीं रही उसके पास, तो फिर महिला ने बोला 100% गारंटेड, मेरी मैंने धोखा नहीं खा सकती, यही है, और हो ना हो इसने खा लिया। वो मैंने उसने बता दिया इसे खा लिया। अब वो खा लिया तो फिर पुलिस स्टेशन में उसको लेटरिन कराई और फिर उसने चैन निकल आई। सच्ची घटना है, एकदम 100% निकल आई। अब मुझे उससे आगे कहना है कुछ। अब वो चूंकि उधर से निकली ना, वो तो वो महिला को ऐसी लग रही, वो जबकि पुलिस वालों ने उसे धो दिया, सब कर दिया, तो अभी उसने बिल्कुल दूर से कग्गज में पकड़ के, पॉलीथिन में पकड़ के, और फिर वो सुनार के यहाँ बेच के 100-200 रुपए और लगे, लग जाए दूसरी दो। उसने उसको बदला, क्यों? क्योंकि जब भी वो पहनती है तो उसे वो अभी मुझे आपसे पूछना है, ये इसके मिथ्याज की प्रॉब्लम है या सोने की प्रॉब्लम है? और इसके दिमाग घूमती वो इसलिए इसको जिस चैन के लिए लड़ने मरने तैयार हो गई, हंगामा मचा दिया, पुलिस वाले बुला लिए, और जब उस चैन प्राप्त हुई तो छूने तैयार नहीं। हाँ, इसे सोने का क्या बिगड़ा था? वो सोनार ने खरीद लिया, सोनार को कोई गिला नहीं है, सोनार सम्यक दृष्टि देगा। उसने कहा बहन जी कोई बात नहीं है, आप दूसरी ले लो, और कर छट्टी हो गई।
मैं फिर पूछ रहा हूँ, जैसे गटर की गंदगी प्रवेश नहीं करती, इसका नाम प्रताप है, ऐसे ही भगवान आत्मा, तुम सब भी आत्मा हो, ये शरीर उसमें प्रवेश नहीं करता, ये उसका प्रताप है। विकार उसमें प्रवेश नहीं करता, ये उसका प्रभुत्व है। क्या है, क्या है, क्या है, जोर से बोलो, प्रभुत्व है। आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ? जैसे वो 10 तोले का बिस्किट गटर में गिर जाए, तुम ऊपर की पर्याय नहीं देखते, गंदगी नहीं देखते, सोने को ग्रहण करने के लिए लालायित हो, प्रेम से कि घृणा से, ऐसे ऐसे नाक बंद करके, बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल गिलानी नहीं है। दृष्टांत है, ऐसे ही अनादि काल से भगवान आत्मा प्रभु है, स्वयं सिद्ध प्रभु है। ये शरीर में रहा लेकिन अनटच रहा, मोह राग देश में रहा लेकिन अनटच रहा, गतियों में रहा लेकिन, हाँ बोले जाओ, अनटच रहा। जिसने तेरी प्रभु ने, तेरे प्रभु ने किंचित मात्री विकार को, अब तुम्हें जितनी मई हो 10 तोले की आ रही ना, उतनी इसकी आ जाए तो सम्यक दर्शन लेके जाना अभी। बस पंडित जी इतना ही, ओ मजा आ गया, अरे मजा आ गया, अरे मजा आ गया, मैं तो प्रभु, मैं तो प्रभु। और सुन, पत्नी से बोल तू भी प्रभु है, कल चलना प्रवचन में। कई बार ऐसा होता वो नहीं आती, क्योंकि उसका भी ऐसा लगता है का भी तुम प्रभु बनने के चक्कर में, तुम मेरे सेवक बने रहो, यही बहुत है। स्वयं सिद्ध प्रभु क्या कहते, अब पढ़ो भाई, महावीर भगवान की भक्ति, मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा, आत्म के रंग में ऐसा तू रंग जा, आत्म को आत्म में घोल, तेरा प्रभु, तेरा प्रभु। फिर जब भक्ति कराते ना सड़कों पर, तो ऐसे ऐसे करे, तेरा प्रभु तुझ में डोले, मेरा प्रभु मुझ में डोले। खूब मस्ती लेते हैं उसकी। सच में फिदा हो जाओ, ऐसी बात है। कैसे आनंद की बात है। फिर से, तुम कौन हो? प्रभु हो। निज प्रदेश आत्मरूपी किला है, जो कभी ना किसी से विदा है, कर्म राग आदि भी रहते बाहर, पेट पाए कदापि न अंदर, अंतरंग में सदा अविकारी, सदा अविकारी। आज अद्भुत छवि निज निहारी, क्यों तुम वो 10 तोले का बिस्किट गटर में गिर जाएगा तो निकाल लोगे? अभी भी नहीं निकालोगे? पापा से पूछ ले, पूछ ले ना, हेल्पलाइन है, तुम तो निकालोगे ना अभी, ये तो तैयार। क्यों? क्योंकि ये बच्चा कह रहा है कि वो गटर की गंदगी, इंग्लिश में कहते हैं फॉरेन मैटर कॉन्ट एंटर्ड, वो घुस ही था, ऐसे लोग कहते हैं, घुस गया का, घुस गया क्या, क्या घुस गया, ऐसे हम तुमसे कह रहे, अरे मोह राग देश बहुत हुआ लेकिन तुम्हारे में कुछ भी नहीं घुसा, स्वयं सिद्ध प्रभु सदा, स्वयं सिद्ध। अब दो बातें कहकर बंद करिए प्रवचन, एक तो पंडित साहब की एक लाइन गाएंगे, पर्यायहीन दास मुझ में कमी नाई, पर्यायहीनता से मेरे में कमी नहीं आई, वो गटर में गिरने पर भी कमी नहीं आई, शरीर में रहने पर भी। क्यों? बड़ों से पूछे, छोटों से पूछे, बड़ों से पूछ लेते, बोलो भैया यहाँ कितनी महिलाएं बैठी होंगी और कितने पुरुष बैठे होंगे, बोलो अंदाज से बता दो, अरे जल्दी बोलो, हैं?
हाँ, दो तरह की गटर में आत्मा सुरक्षित है। क्या 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 क्या, दो तरह की गटर है ना, उसमें आत्मा पर्यायहीनता से मुझ में कमी ना आई। एक लाइन तो ये कह दी और एक लाइन और कहने के लिए बोला तो वो भी कह देता हूं। तो कोई अंगूठी अंगूठी नहीं पहने सोने की, कोई एक आज पहने तो दे जरा हाथ में, डरो नहीं दे दूंगा बाबू। कोई भी बात अंगूठी नहीं, अंगूठी रहे हाँ, डरो नहीं, घबराना नहीं जी। अंगूठी गटर में गिर जाए तो इससे कुछ बिगड़ेगा? तो आप बाहर जाके डालो इसे, कुछ कह रहा हूं आपको, इसमें कोई दोराय नहीं कि ये गटर में गिर जाए तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन एक भी समझदार प्राणी ऐसा जानने के बाद गटर में नहीं डालता। ऐसे चार गति में इस आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन कोई समझदार सम्यक दृष्टि इस आत्मा को चार गति में नहीं डालता। दे दो वापस बाइज्जत। माने डाल नहीं सकते अपन, ये बात पक्की, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन कौन डालेगा वाला? ऐसे ही चार कसायों में भगवान आत्मा का बिगड़ा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसी बात समझ में आ जाने का ये मतलब नहीं लगाना, अरे पंडित जी ने कह दिया अपन तो प्रभु के पिक्चर देखो मजा कर। खाओ पियो ऐस करो, क्या है चार दिन जिंदगी के, अपन तो प्रभु है। खाओ पियो ऐस करो कि तो फिर तुझे समझ में नहीं आया, क्यों समझ में आ गया होता तो तू अपने जीवन को पांच पाप में, चार कसाय में और सप्त व्यसन में नहीं डालता। क्योंकि समझदार व्यक्ति ऐसी गलती नहीं करते हैं, एक द्रव दूसरे द्रव को नहीं छूता, ये बात सच्ची है। लेकिन कौन मूर्ख होगा अपनी रोटी गटर में डालेगा फिर धो के खाएगा? समझ गए नहीं समझे? कोई नहीं करता है ऐसा। ऐसे जान बूझ करके खोटे परिणाम करना नहीं, जान बूझ कर अपने आत्मा को पांच पापों में डालना नहीं, लेकिन चला गया हो तो प्रभु देख करके निकल आना। कुछ कह रहा हूं मैं आपको, जिंदगी सब तरह के उतार चढ़ाव से भरी है, खोटी चेष्टाएं हो जाती हैं, खोटे भाव हो जाते हैं, हरकतें हो जाती हैं, जाने क्या क्या पाप हो जाते हैं। यदि कुछ हो गया हो तो जैन शासन कहता है कम ऑन, आ जाओ बेटे कोई बात नहीं, कोई पापी से पापी हो जैन शासन पढ़ो स्वाध्याय करो और महावीर भगवान आपको गले से लगा रहे, आओ कम ऑन एंड सिट हियर, सिद्धालय में आ जाओ। कितनी सुंदर पंक्ति है, मेरा प्रभु मुझ में डोले और तेरा प्रभु आहा, चारों कसायों को है तूने पाला, आत्म प्रभु को जो करती है काला। काला माने पर्यायहीनता, पर्यायहीनता, लेकिन उससे कमी आती आहा, इनकी तो संगति को छोड़ तेरा प्रभु। ये भगवान बनने की विधि बता दी, भगवान बनने की विधि बता दी। ध्यान रखना बस अंतिम अंतिम पंक्ति है, चार कसाय के बिना तुम नहीं रहोगे मुझे अभी भी मालूम है, लेकिन तुम हंस करके चार गति में, चार कसाय में जाओगे तो तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा, और चार कसाय में जाने पर भी तुम अपना प्रभुत्व देखोगे तो चार कसाय तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी। इतनी सी ट्रिक तुम्हारे जीवन में आ गई तो मोक्ष में मिलोगे, इतनी सी ट्रिक है बस, इतनी सी ट्रिक। कौन बोलेगा, बोलेगा कोई? फिर से बोल देता हूं, बहुत मर्म की लाइन है, चार कसाय से अभी नहीं बच पाओगे, मैं भी जानता हूं आप भी जानते हो, अभी जाओगे वही चलेगा सबको। अब दो तरीके हो सकते हैं कि आप ऐसा प्रवचन सुनने के बाद मजा करो चार कसाय करो, मजा करो चार कसाय करो, इसका मतलब तुम्हारा संसार बाकी है, और इतनी अच्छी बात जानने के बाद चार कसाय होगी लेकिन आपको अपने को स्वयं सिद्ध प्रभु देखोगे तो आपको ये चार कसाय अच्छी नहीं लगेगी। परिणाम यह निकलेगा कि ऐसे ही होते 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 नया कर्म बंद नहीं होगा, नया कर्म बंद नहीं होगा, नया कर्म बंद नहीं होगा, कसाय घटती चली जाएगी और एक दिन मिट जाएगी और तुम भगवान बन जाओगे।
भगवान बनने की सरल विधि बता दी। अपने हीरे को, अपनी अंगूठी को जानबूझकर गटर में नहीं डालना, इसमें सारा चरणान योग आ गया। द्रव्यान योग के साथ चरणान योग मैंने पूरा कह दिया। ओम नमः शिवाय।